नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सपना यादव। आपको वो समय तो याद होगा ही जब आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में आई थी और किस तरह से बरसों काबिज राजनीतिक पार्टियां हिल गई थी। कुछ इस ही तरह का ही मंजर नेपाल के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की राजनीति में उतरी नई नवेली पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आम चुनावों के शुरुआती रुझानों में अच्छा खासा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। राजनीति में उतरे हुए अभी इस पार्टी को बस कुछ 6 महीने ही हुए हैं और यह रुझानों में उम्दा परफॉर्म करती दिख रही है। नेपाल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रतिनिधि सभा की 165 में से 11 सीटों पर RSP आगे चल रही है। 2 सीटों पर जीत का परचम लहरा चुकी नेपाली कांग्रेस 43 सीटों पर सबसे आगे चल रही है। वहीं पूर्व पत्रकार रवि लामिछेने की पार्टी के 19 से ज्यादा सीटें जीतने के कारण सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का दमदार प्रदर्शन NC और CPN-UML जैसी बड़े बड़े दलों के लिए एक चेतावनी है। नेपाल के पूर्व पत्रकार रवि लामिछेने ने अप्रैल 2013 में सबसे लंबा टॉक शो होस्ट करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस दौरान उन्होंने 62 घंटे के एक शो को होस्ट किया था। पहले पत्रकार रहे और अब युवा राजनेता लामिछेने अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बता दें कि 13 नवंबर 2022 को चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कार में तोड़फोड़ की गई थी। उनकी पार्टी की विचारधारा संवैधानिक, समाजवाद और सहभागी लोकतंत्र की है। पार्टी ने साफ किया है कि उसकी कोई ब्रांच या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा और उसके सदस्य ही उसके कार्यकर्ता होंगे। लामिछेने की पार्टी रिकॉल चुनाव और राइट टू रिजेक्शन का समर्थन करती है और इसे देश में लागू करना चाहती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।